अस्सलामुअलैकुम, मैं दीनियात की टीचर बोल रही हूँ, फिफ्थ क्लास की। आज हम पढ़ेंगे अकीदा व ईमान के सवाल जवाब। सवाल: कुफ्र किसे कहते हैं? जवाब: जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है उनमें से किसी एक बात को भी ना मानना कुफ्र है। सवाल: फरिश्ते किसे कहते हैं? जवाब: अल्लाह ताला ने कुछ नूरानी मखलूक़ात को पैदा किया और कुछ काम उनके हवाले करके उनको हमारी नज़रों से छुपा दिया है, उन्हें फरिश्ते कहते हैं। सवाल: चार मशहूर फरिश्तों के नाम बताइए। जवाब: हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की किताबें और पैगाम पैगंबर तक लाते थे। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से सूर फूकेंगे। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बारिश का इंतज़ाम करते हैं और अल्लाह ताला की मखलूक तक रोज़ी पहुंचाते हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मखलूक की रूह कब्ज़ करते हैं। सवाल: किरामन कातिबीन किसे कहते हैं? जवाब: इंसान के दोनों कंधों पर हमेशा दो फरिश्ते रहते हैं। दाएं कंधे का फरिश्ता नेकियां लिखता है और बाएं कंधे का फरिश्ता बदियां लिखता है। इन्हीं फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। सवाल: मुनकर नकीर किसे कहते हैं? जवाब: जब इंसान मर जाता है और कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे और पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। जो फरिश्ते ये सवालात पूछते हैं उन्हीं को मुनकर नकीर कहते हैं। इन सवाल जवाब को आप नोटबुक में नोट कीजिए, इनको लर्न कीजिए और जब स्कूल ओपन होगा तो आपसे सुना जाए। शुक्रिया।